नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा छठवीं विषय संस्कृत के अंतर्गत अध्याय प्रथम संवादः पढ़ेंगे। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। इस अध्याय में हम अलग अलग परिस्थिति में संस्कृत में बातचीत कैसे की जाती है यह सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे हट वार्ता। हट अर्थात बाजार और वार्ता मतलब बातचीत, अर्थात बाजार संबंधी बातचीत। गीता गच्छति हट्टम। गच्छति अर्थात जाना, हट्टम मतलब बाजार। गीता बाजार जाती है। यहाँ चित्र में आपको एक लड़का और एक लड़की दिखाई दे रहे होंगे। लड़के का नाम है मोहन और लड़की का नाम है गीता। आज हम इन दोनों के बीच में होने वाली वार्ता के बारे में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थः अर्थात शब्दों के अर्थ। पहला है त्वम। त्वम मतलब तुम। कुत्र मतलब कहाँ। गच्छसि अर्थात जा रहे हो। हट्टम प्रति अर्थात बाजार की ओर। किमर्थम किस लिए। शाकम अर्थात शाक या सब्जी। क्रेतुम अर्थात खरीदने के लिए। अधुना अर्थात अब। गच्छामि मतलब जाता हूँ। अगर आपने शब्दार्थ अच्छे से समझ लिए तो आपके लिए पाठ बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए जल्दी से पाठ शुरू करते हैं। मोहनः। मोहन कहता है गीते त्वं कुत्र गच्छसि। त्वं मतलब तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि अर्थात जा रही हो। मोहन पूछता है गीता तुम कहाँ जा रही हो। गीता मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि। अहम मतलब मैं, हट्टम प्रति बाजार की ओर, गच्छामि मतलब जा रही हूँ। तो गीता कहती है मोहन मैं बाजार की ओर जा रही हूँ। मोहनः। गीते किमर्थम। किमर्थम का अर्थ होता है किस लिए। मोहन पूछता है गीता किस लिए। गीता कहती है मोहन साकम फलम च क्रेतुम। शाकम मतलब सब्जी, फलम मतलब फल, च का अर्थ होता है और, क्रेतुम खरीदने के लिए। तो गीता कह रही है मोहन सब्जी और फल खरीदने के लिए। अधुना त्वं कुत्र गच्छसि। अधुना अर्थात अब। गीता मोहन से पूछती है अभी तुम कहाँ जा रहे हो। मोहनः। मोहन कहता है गीते अधुना अहम गृहं प्रति गच्छामि। गृहं अर्थात घर। मोहन कहता है गीता अभी मैं घर जा रहा हूँ। बच्चों देखा ना आपने, इसे समझना कितना आसान है। अब आप एक बार इसका अभ्यास कर लीजिए। अब यहाँ पर मोहन और गीता सिर्फ संस्कृत में बात करेंगे। आप इसे खुद से ही समझिएगा। गीते त्वं कुत्र गच्छसि। मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि। गीते किमर्थम। मोहन साकम फलम
च क्रेतुम्। अधुना त्वं कुत्र गच्छसि? गीते अधुना अहम् गृहं प्रति गच्छामि। बच्चों, आपको इनके बीच होने वाली बातचीत समझ में आ गई ना? अब आप इसका अभ्यास कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।